इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की मदद से भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार को खेले जाने वाले दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भी जीत की लय कायम रखने उतरेगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली अगर 81 रन बना लेते हैं तो सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर इस प्रारूप में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस रिकॉर्ड की संभावना ने दर्शकों में इस मैच को लेकर अतिरिक्त उत्साह भर दिया है। तेंदुलकर ने 259 पारियों में वो आंकड़ा छुआ था जबकि कोहली 204 पारियां खेल चुके हैं। विराट और रोहित शर्मा के शतकों ने गुवाहाटी में पिछले मैच में 323 रन के लक्ष्य को आसान बनाकर भारत को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त दिलाई। गुवाहाटी में विराट और रोहित ने भारत को 47 गेंद बाकी रहते जीत दिलाकर वेस्टइंडीज का रहा सहा मनोबल भी तोड़ दिया। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के फॉर्म के चलते मध्यक्रम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। विश्व कप से पहले अहम मानी जा रही सीरीज में हालांकि मध्यक्रम को भी आजमाने की जरूरत है। भारत को हालांकि अपने गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। कोहली को पता है कि गेंदबाजी पिछले मैच में कमजोर कड़ी रही थी। डेथ ओवरों के विशेषज्ञ जसप्रीत बुमराह और भरोसेमंद भुवनेश्वर कुमार की गैर मौजूदगी में भारतीय गेंदबाज बरसा पारा स्टेडियम पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। रविंद्र जडेजा भी लय में नहीं थे जिससे कैरेबियाई बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर बना डाला। मोहम्मद शमी ने 10 ओवरों में 81 रन दिए। इसके बावजूद विकल्प नहीं होने के कारण कोहली को उन्हें ही उतारना होगा। दूसरे टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले उमेश यादव भी उस फॉर्म को दोहरा नहीं सके और महंगे साबित हुए। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।